अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज मैं गाड़ी के प्लग्स वगैरह लेके आया हूँ, तो उसके प्लग्स वगैरह ज़रा चेंज करते हैं। अभी बंदा आ रहा है, वो प्लग्स घर पे ही आके चेंज कर देगा, तो जैसे ही आता है तो फिर आप सबको दिखाता हूँ। गाड़ी असल में ना मिसिंग करती थी, तो ये प्लग्स आप लोग देखें, ये कौन से प्लग डले हुए हैं इसमें। पहले कोई पता नहीं इरिडियम डाला हुआ है, साथ उसके डेंसो डाला हुआ है। अब ये प्लग्स देख लें और जो मैं वो भी दिखाता हूँ, इनमें फ़र्क देखें। आया सील दूजी है, हाँ मैं ये देखूँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। गाड़ी जो मिसिंग कर रही थी, एक तो वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। बाकी इसकी कॉइल्स वगैरह भी मैंने मंगा ली, बाकी सारा मैं बताता हूँ क्या सीन है। अभी इसके जो मैं लेके आया था, ये निसान के ओरिजिनल प्लग्स हैं इसके, तो और ये एक सील लीक थी, वो भी मैं ले आया था ताकि वो भी काम ख़त्म हो जाए एक दफ़ा। प्लग्स जो हैं और भी काफ़ी मिल रहे थे, लेकिन मैंने कहा जेन्युइन ही डालते हैं, जेन्युइन ज़्यादा बेहतर है। तो अभी बाकी अंदर से जो निकलते हैं उनकी पोजीशन दिखाता हूँ क्या है। बाकी ये तो आप लोगों के सामने, इसके बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ। अभी दो नंबर भी बहुत सामान बिक रहा है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, शायद आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जो मेरे लिए कल मुश्किल आ रही थी उसको थोड़ा सा आसान कर लिया था हमने। बाकी मैं आप सबको बताता हूँ, ये ज़रा फिट करवा लेते हैं, इधर भाई आ जाए फिट कर। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं? मुझे इस टाइम चार्ज बिल्कुल ना करना, क्योंकि मैं अभी उठा हूँ, एक्साइटेड कुछ ज़्यादा ही हुआ हूँ, वो भी मैं बताता हूँ क्यों एक्साइटेड हूँ। अच्छा, अब सीन ये है कि अभी अभी मैं उठा हूँ और मुझे कॉल आ रही थी कि यार आपका ना एक पार्सल आया है, पार्सल को जो है ना आप रिसीव कर लें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं रिसीव कर लेता हूँ। वो पार्सल मुझे पता चलेगा क्या है, वो पार्सल था वो अली एक्सप्रेस से मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ था गाड़ी का। तो और वो सामान भी महंगा है, पाकिस्तान में मिल रहा था वो सामान, लेकिन बहुत महंगा मिल रहा था। तो मैंने अली एक्सप्रेस चेक किया तो वहां से भी मुझे मिल गया थोड़ा सा कम कीमत पे, कंपैरेटिव टू पाकिस्तान। साथ दो तीन चीजें और थी, वो भी ऑर्डर कर ली। सामान जो है वो आ गया मेरे पास, जैसे ही मैं उठा मुझे कॉल आ रही थी, मैं नीचे गया हूँ और मैंने पार्सल रिसीव किया, और वो पार्सल अब यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग करके उसको गाड़ी में लगाते हैं, क्योंकि गाड़ी में नहीं लगेगा जब तक तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो पहले का मैं इस पार्सल का वेट कर रहा था, क्योंकि रोज़ मैं इसको ऐप देखता था और देखता था कहाँ पहुँचा है वो, अभी कस्टम में है, कभी ट्रांसपोर्ट हब में पड़ा हुआ है, कभी कहीं पर है, कभी कहीं पर है। अल आज आ गया अल्लाह का शुक्र है, और सामान भी कुछ महंगा था, इसलिए मुझे ये था कि यार कोई कस्टम वगैरह का इशू ना बने इसका। मैंने खोल लिया था ये, क्योंकि मेरे से वेट तो होना नहीं था, लेकिन मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ये आ गए हैं जी, सामान क्या है, सबसे महंगा सामान जो मैंने मंगवाया है इसमें अभी वो ये है। ये कॉयल ना गाड़ी की, इंजन की कॉयल्स जो होती हैं, गाड़ी असल में कभी कभी मिसिंग करती है। अक्सर जो इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं, कभी वो देखते होंगे कि वो मेरी जो स्टोरी जब भी मैं लगाता हूँ गाड़ी की, तो वहाँ पे ना बैटरी का साइन लिखा आ रहा होता है। एक आधी कोई गाड़ी की ना कॉइल ख़राब है, उसके प्लग्स भी ख़राब थे गाड़ी के, मैंने प्लग्स तो चेंज कर दिए थे यहाँ से लेके। गुड हो गया जी, कॉइल वैसे थी एक आधी ख़राब, लेकिन मेरा काम सस्ते में हो सकता था पाकिस्तान में भी, एक ही अगर मैं कॉइल लेता तो वो मेरी जान छोड़ जानी थी, लेकिन मैंने सारी ही चेंज कर दी हैं कि यार कोई भी ख़राब हो सकती है, मैं सारी ही एक दफ़ा नहीं डाल देता हूँ। वो V6 है, तो ऑब्वियसली इसकी 6 कॉइल्स हैं ये, और ये बड़ी एक्सपेंसिव हैं। तो मज़े का सामान जो मैंने मंगाया है, जो आप लोगों को मज़ा आएगा देख के, वो है एक तो ये, इसकी पैकिंग है, ये क्या है जी, ये गाड़ी की सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट है, और ये रेड कलर की है। अच्छा, अपनी कलर आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो दो सीट बेल्ट्स हैं, काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि यार आप सीट्स की पोशिश जो है वो चेंज करवा दे, और मुझे पता था कि वो अच्छी नहीं लग रही गाड़ी के कलर के साथ, रहा तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सीट बेल्ट्स ऑर्डर कर दी मैंने, पहले थीम बनाई अपने दिमाग में किस तरह का इंटीरियर करना है मैंने, कि सीट बेल्ट्स मैंने ऑर्डर की, मैंने सोचा सीट बेल्ट्स रेड करेंगे, बाकी सीट्स का मैं बताऊँगा जब सीट्स वाला ब्लॉग आएगा, वो देख लेना आप लोग। थीम बना के ना अच्छी सी वो सीट्स पे एग्जीक्यूट करेंगे हम,
और तीसरी चीज गाड़ी के लिए जो मैंने मंगवाई थी वो ये है। तीसरी चीज जो है गाड़ी की वो ये है, चेक करो, एयर फ्रेशनर। कैसे तो ये हम ये भी लगाते हैं, बड़ा क्यूट सा एयर फ्रेशनर यार, गाड़ी के साथ रिजेंबल कर रहा है, तो मैंने कहा इसको भी मंगवा लेते हैं। बहरहाल अभी हम चलते हैं नीचे और गाड़ी का जो है ये सामान उसमें फिट करते हैं। मैं थोड़ा सा ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, बाकी ये काम अभी करना है हमने, क्योंकि डिले बिल्कुल भी नहीं करना हमने, काफ़ी दिन से वेट कर रहा था। One hour later. तो भाई आपका फ्रेश हो गया, चलते हैं अब काम करते हैं, इसको उतार देते हैं। चलो भाई, ये सामान जो है ना ये बड़ा महंगा और ज़रूरी है। तो भाई फेयर लेडी हमारी, लॉयल लेडी, इसको पीछे करते हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा ही गंदी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा गंदी है भाई। पहले ज़रा गाड़ी तो ऊपर कर लें, गाड़ी तो ऐसे चलेगी नहीं। हम कॉइल्स जो हैं वो खुद चेंज करेंगे। वाओ! मुश्किल तो होता नहीं कॉइल्स चेंज करने से, कॉइल्स ये लगी हुई यहीं से यूं खोली और पाया, इजी सीन है यार। बाकी आगे मैं सोचा था अगर प्लेट लगाते हैं, ये अभी टैंक फुल हुआ है इसका, मैं सोचा था इसके अगर प्लेट लग बनवा के लगाते हैं हम तो कैसी लगेगी वो। तो यार एक साइड की हमने बदल ली है और एक साइड की रह गई है, और कॉइल्स देखें मैंने पहले भी एक आधी चेंज की थी मैंने, वो सारी रंग भर गई है तो कोई सही काम नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें लॉन्ग एयर इनटेक लगा हुआ, तो हमने वो भी खोल लिया, ग्रिप भी उतार लेते हैं, इसका एयर फ्लो का सेंसर का ग्रिप है। गाड़ी जो है ना मिसिंग इसलिए कर रही थी, वो वजह पता चल गई हमें कि जो इसका ग्रिप लगा हुआ ना, एक इसका ग्रिप जो है ना इसकी दो तारें ही टूटी हुई हैं, तार हार्ड इतनी हुई है कि वो तार टूट गई। बाकी इस साइड के हम बदलते हैं ग्रिप, ये कॉइल्स, और एक काम को ख़त्म करते हैं, मैंने कहीं काम पे भी जाना है। तो यार हाथ इग्नोर करना, हाथ गंदे हो गए। ये ग्रिप जो है ना ये टूटा हुआ था और गाड़ी जो है वो मिसिंग कर रही है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आ रही क्या होना है क्या नहीं होना। तो बॉयज ऐसा है कि काफ़ी डिसहार्ट हो रहा हूँ, अभी देखते हैं वो ग्रिप जो है वो उसका मसला है या क्या मसला है, गाड़ी मिसिंग भी बहुत ज़्यादा कर रही है। वो ग्रिप मैंने मंगाया, अगर यहाँ से अलग रहे मिल जाए, यहाँ से ना मिला तो बिलालगंज से मंगाना पड़ेगा, और बिलालगंज आज 4 बजने वाले हैं, ये ना वो बंद हो जाए, कल तो संडे है, तो फिर ये 2 दिन लगे गए हैं, गाड़ी नहीं निकाल सकते हम। 2 hours later. तो बॉयज़ मैं कुछ काम करने चला गया था और अफ्तारी भी हो गई है इस टाइम, मैंने सामान मंगवा लिया है, वो जो ग्रिप उसका टूटा था वो यहाँ से तो नहीं मिला, मैंने फिर किसी लड़के को भेज के बिलालगंज से मंगवा लिया है, क्योंकि मैं तो बिज़ी था। मैं आप सबको दिखाता हूँ, ग्रिप भी एक ख़राब था लेकिन मैंने 2 मंगा लिए हैं, एहतियातन की ज़रूरत पड़ सकती, इतना कोई महंगा ग्रिप नहीं है ये, तो इसलिए मैंने फिर 2 मंगा लिए। बहरहाल अब चलते हैं और गाड़ी को जाके चेक करते हैं, उसको लगाते हैं। ओके, लॉयल लेडी गंदी हुई हुई है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, इसलिए मैंने ग्रिप लगा दी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट की थी, बिल्कुल स्टेबल थी, मैंने प्रॉपर फिक्स नहीं किया था सब कुछ चेक करने के लिए, लेकिन अब फिक्स कर दिया, अब दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं, अल्लाह करे सब कुछ स्टेबल रहे और सब कुछ ठीक ठाक रहे, करके देखते हैं। अब मैंने ये सोचा कि गाड़ी बाहर निकालते हैं और थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इतने पैसे लगा दिए, गाड़ी ट्राई करके भी देख लें कि फर्क पड़ा है नहीं पड़ा।
गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है और माशाल्लाह परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने ही थी। गाड़ी बिल्कुल क्विक रिस्पांस कर रही थी। पहले जो था, पहले थोड़े से कॉइल्स वीक थे तो इसलिए क्विक फौरी नहीं कर रही थी, मतलब मैं पैडल देता था एक डेढ़ सेकंड बाद जो है ना फिर निकलती थी। लेकिन और दूसरी बात यह है कि जब गाड़ी खड़ी होती थी ना आरपीएम ड्रॉप होता रहता था उसका बार बार, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ये मसला क्लियर हो गया हमारा और इस चीज़ से गाड़ी अब क्लियर है और अच्छा सा एक डिस्प्ले में करने लगा हूँ गाड़ी का। आज के लिए बस इतना ही, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना भाई को। अल्लाह हाफिज़।